ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि इनको इमीडिएटली चोट लगी थी कांच के ग्लास से, यहाँ से यहाँ की यहाँ पे लग गया था और इनकी यहाँ की टेंडन इंजरी हो गई थी, उंगली सीधी हो गई थी और ये मुड़ नहीं रही थी। इनसे पूछते हैं इनको हमारे बारे में कैसे पता चला और ये हमसे ऑपरेशन करा के संतुष्ट हैं या नहीं है। हाँ बच्चे बता सर, हम भरतपुर के रहने वाले हैं। भरतपुर? अच्छा, भरतपुर तारा महिंद्रा हॉस्पिटल जो सुने गई वहाँ जाओ, जयपुर अमित मित्तल के पास हॉस्पिटल है वो, अच्छा डॉक्टर साहब है उसके पास जाओ, वो आपका इलाज करेंगे। फिर यहाँ आया, 8 दिन के अंदर मेरे को फायदा पड़ गया, उंगली चलने लगी मेरी, 4-5 दिन से उंगली मेरी चल नहीं पड़ी थी सर। तो हमने कितने टाइम की दवाई दी आपको? आपको हफ्ता भर की दी थी सर। हफ्ता भर की? तो आज आप जब हमारे पास आए हो 8 दिन बाद, तो आपकी उंगलियों में हरकत दिख रही है? दिख रही सर। तो जब आप हमारे पास ऑपरेशन से पहले जब आए थे तब आपको क्या क्या कंफ्यूजन थे? वो उंगली बिल्कुल नहीं चल रही थी, बिल्कुल हाथ सुन पड़ा, दर्द होता था सर, दर्द होता था। और हमने अगले दिन छुट्टी कर दी आपकी? अगले दिन छुट्टी कर दी। ठीक है, और हमने कहा इमीडिएटली मूवमेंट करना है। प्लास्टर कोई भारी लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। इससे कोई दिक्कत हो रही है? नहीं बिल्कुल। फुल स्ट्रेट मूवमेंट करके दिखा दो पूरा ऐसे। ठीक है, और ये उंगलियों का इधर दिखाओ पास से, उंगलियों का मूवमेंट करके दिखाओ। ये उंगलियां इनकी मुड़ रही हैं, तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है कि हम किसी को भी ऐसा प्लास्टर नहीं देते जिससे उनकी उंगलियां जाम हो जाएं और वो फिर बाद में जब 2-3 महीने बाद इसकी मूवमेंट की एक्सरसाइज करें तब कुछ ना हिले। तो हम डे 1 से इनकी कौन कौन सी एक्सरसाइज बताइए वो बताओ। एक्सरसाइज पहली है छूना, तो पेशेंट खुद अपने आप सारी एक्सरसाइज बता रहा है। और ये उंगली को यूं कर मोड़ना, दूसरे हाथ से मोड़ना। हाँ ऐसे मोड़ना और फिर यहाँ पे उंगली रख के उंगलियों को सीधी करना। तो ये डे 1 से ये इनको एक्सरसाइज बताई गई है, उसी के कारण इनका मूवमेंट बहुत अच्छा है और आज से 2 महीने बाद ये काफ़ी बेटर हो जाएंगे। तो जिनको भी टेंडन की इंजरी या फिर कोई भी छोटी ऐसे जो लगता है कि उंगली मुड़ नहीं रही है, सीधी नहीं हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है वो एक्सपर्ट से मिले तो आप बेटर हो सकते हैं। नमस्कार।